हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एसएससी तक इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, एसएससी तक इंग्लिश क्लासेस चैनल पे हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं पेपर सॉल्विंग की, और इसके अंतर्गत हम लोग आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजियर टीयर 1 का पेपर 2020। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूटेड अंडरलाइन सेगमेंट अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है यदि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इफ रिक्वायर्ड, तब आप लोग इम्प्रूवमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, देन योर आंसर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। चलिए दोस्तों एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डायरेक्टर विल एग्री विथ द प्रपोजल। एग्री विथ द प्रपोजल, एग्री के बाद विथ का प्रयोग हुआ है दोस्तों प्रपोजल के साथ, जबकि एग्री के बाद विथ का प्रयोग पर्सन के साथ होता है, प्रपोजल के साथ नहीं होता है। प्रपोजल के साथ टू का प्रयोग होता है, अतः हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स देखिए, क्वेश्चन क्या है, किसका सिनोनिम्स बताना है, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मीन्स होता है दोस्तों मैंडेटरी। मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी मीन्स होता है मैंडेटरी। इसका हिंदी मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक। ऑब्लिगेटरी मीन्स मैंडेटरी। पहला ही ऑप्शन आपका सही मिलेगा, जबकि रेकलेस मीन्स होता है लापरवाह, ये नहीं होगा। एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक, ये भी नहीं होता है। और यूजलेस मीन्स होता है बेकार। इसलिए आपका ऑब्लिगेटरी का करेक्ट सिनोनिम्स होगा मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आइए सेंटेंस देखते हैं। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। क्वेश्चन आपका है दोस्तों, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। एक टिप से पैसिव बनाते समय दोस्तों कुछ बेसिक रूल है जिसे आप जान लीजिए, जो कि किसी भी तरह का सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, हर जगह वो रूल फॉलो होते हैं। पहला रूल है कि सबसे पहले तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान कर लेंगे। ये आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, ये आपका वर्क जो है ये वाक्य का ऑब्जेक्ट है, और कीप जो है ये आपका वर्ब है दोस्तों। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ कीप मेन वर्ब में एस का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, अर्थात इज एम आर का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस करते समय दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, सबसे शॉर्ट ट्रिक है आपके एग्जाम में समय बचाने के लिए, सबसे पहले आप वर्ब पे ध्यान दीजिए। अगर वर्ब आपको ऑप्शन में करेक्ट मिल गई, 90% चांस होता है कि वही आपका आंसर सही होगा। इसमें भी हम लोग ये अप्लाई करते हैं, पहले हम लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं, फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे ट्रिक। देखिए, कीप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने क्या कहा, कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना, इज एम आर चेंज करना। यहाँ पे वर्क सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट है, अर्थात सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर मिलेगा। सीधे सीधे देखिए इज किस में आया है, इज किस में आया है, फोर्थ नंबर ऑप्शन में इज आया है। वर्क के साथ आर का प्रयोग होगा दोस्तों, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल का प्रयोग होगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गलत। वर्क के साथ वाच का प्रयोग होगा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे दोस्तों। इसी के साथ तीसरा ऑप्शन देखिए, वर्क के साथ हैज का प्रयोग होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो कंटिन्यूअस टेंस में ही चेंज होगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर होगा, और ऑप्शन फोर टिक करके वर्ब का मिलान करके आप आगे बढ़ जाइएगा। अगर वर्ब एक से ज्यादा वाक्यों में है, तब आपको आगे देखने की जरूरत होगी। आइए दोस्तों हम बेसिक रूल जो बता रहे हैं उस पर डिस्कशन कर लें।
वाक्य का ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉयस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है जो कि बना है यहाँ पे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। टेंस के अनुसार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। देखिए इस का प्रयोग किए हैं, अगर ये प्लूरल होता तो आर का प्रयोग होता। उसके बाद अदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, कीप का थर्ड फॉर्म होता है कैप्ट। हमेशा याद रखिएगा पैसिव वॉयस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अदर वर्ड पेंडिंग आ गया है इसके साथ। उसके बाद जो तीसरा रूल होता है पैसिव वॉयस का, बेसिक रूल ये है कि ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। ये आपके बेसिक रूल है दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाने का। हमें उम्मीद है कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। बाकी आगे जैसे आप बने रहिए हमारे साथ, हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आती जाएगी, हम उस पर डिस्कशन करेंगे और वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है सेंटेंस? इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस ग्रामेटिकल एरर। दोस्तों स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। जब से ऑनलाइन पैटर्न हुआ इसी तरह के से देता है, चार ऑप्शन देता है, 1 2 3 4 नहीं, पहले क्या होता था ऐसे देता था, यहाँ पे ए लिख देता था, फिर इधर आपको यहाँ पे कहीं बी लिख दिया, ऐसे देता था, मगर अभी ऐसे नहीं, सीधे सीधे ऑप्शन में देता है दोस्तों। वन ऑफ द बॉयज दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, एक मिनट इसको इरेज कर लिया जाए। हाँ दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। दोस्तों चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सेलेक्ट करता है करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा, और हमें लगता है कि यही ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। हैव के स्थान पे हैज का प्रयोग होगा, हैव के स्थान पे हैज का प्रयोग होगा दोस्तों। यहाँ पे हम क्लियर लिख देते हैं, हैव के स्थान पे हैज का प्रयोग होगा। क्यों होगा दोस्तों? जब आप पढ़ेंगे वन ऑफ द, जब आप रूल पढ़ेंगे प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन में लिखा जाता है, प्रोनाउन में पढ़ाया जाता है दोस्तों कि वन ऑफ द के बाद दोस्तों क्या होता है? वन ऑफ द के बाद हम हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस रूल को आप याद रखिएगा, आने वाले समय में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक। सीधे सीधे पहले ही लिख दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी मस्ट एक्सर्ट डोनेट कंट्रीब्यूट रेंडर हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। यहां कह रहा है कि हमें निश्चित रूप से हेल्प करना चाहिए, किसका? होमलेस का और फिजिकली डिसेबल्ड का। मगर यहाँ पे हेल्प से पहले किसका प्रयोग करेंगे, किस वर्ब का प्रयोग होगा? एक्सर्ट का प्रयोग होगा दोस्तों, एक्सर्ट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक्सर्ट मीन्स होता है खींचना, खींचना, और खींचना का कहीं से सेंस नहीं मिल पा रहा है दोस्तों कि हेल्प खींचना चाहिए, हेल्प देना चाहिए। डोनेट, ये डोनेट है, डोनेट मीन्स दान करना होता है, मगर दोस्तों हेल्प के लिए डोनेट का प्रयोग नहीं हुआ। हेल्प के लिए वर्ब डोनेट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में डोनेट एक सेंस दे देता है हेल्प का, और वही सेम चीज होता है कंट्रीब्यूट के साथ भी। कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं, इसका मतलब किसी का आप हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ब रेंडर का प्रयोग होगा दोस्तों। रेंडर मीन्स होता है देना, प्रदान करना, और क्या? हेल्प, सहायता करना। तीन ऑप्शन आपका गलत होगा, 1 2 और 3, और फोर ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। फोर को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों। करेक्ट
क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों, करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस है पी क्यू आर एस का सेंटेंस जो होता है दोस्तों, पी क्यू आर एस भी आता है, हालांकि एसएससी में ए बी सी डी करके देता है। एक आपका एक सेंटेंस यहाँ है, बाकी तीन सेंटेंस ऊपर है, अभी आपको हम दिखाएंगे। पहले देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग दोस्तों ऑप्शन से सेलेक्ट करें। देखिए अरेंजमेंट वाले या पैराजेंबल्ड वाले ये जो क्वेश्चन होते हैं, इनको करने से पहले थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए। या तो इस तरह के सेंटेंस किसी नाउन से प्रारंभ होते हैं, याद रखिएगा, या तो किसी नाउन से प्रारंभ होते हैं, या तो किसी जनरल सेइंग से, कोई कहानी होती है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड, ऐसे वंस अपॉन अ टाइम से शुरू होगा, या देयर इज से शुरू होगा, इस तरह से वाक्य शुरू होगा, या तो किसी का नाम से शुरू होगा, जैसे संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, या संजय इज वेरी गुड बॉय, ऐसे करके शुरू होगा। तो यहाँ पे हाउ एवर से वाक्य शुरू हुआ है, पहले यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है कि हाउ एवर से वाक्य शुरू हो, इसलिए इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, और आगे और भी सेंटेंस देखते हैं, दूसरा तीसरा, और फिर हम लोग अपना आंसर डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं सेकंड, ये दूसरा जो है बी नंबर का ऑप्शन जो है दोस्तों, ये बी नंबर जो है वो कह रहा है दिस चेंज, दिस चेंज, इसकी भी संभावना कम है दोस्तों। दिस चेंज, विच चेंज, कौन सा चेंज, इसका मतलब इस दिस चेंज से पहले कोई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का प्रयोग हुआ है, और वो प्रयोग हुआ है कौन सा, फर्स्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर फर्स्ट, और सेकेंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज। यहां भी फर्स्ट और सेकेंड दो चीजों के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब इससे पहले भी कोई इंट्रोडक्टरी सब सेंटेंस आया है, और उस सेंटेंस के आधार पे ये दो दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए दोस्तों वो कौन सा सेंटेंस हो सकता है, सीधे सीधे सी आपको मिल रहा है दोस्तों, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन रेफर द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री। सीधे सीधे सी से आपका वाक्य शुरू होगा, या तो वन होगा या तो टू होगा, ऑप्शन थ्री और फोर नहीं होगा। अब सी के बाद क्या आएगा दोस्तों, सी के बाद क्या कह रहे हैं कि चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री, और फिर सी के बाद बी आ रहा है दिस चेंज। सीधे सीधे देखिए यहाँ चेंज की बात कर रहे हैं, और उसी चेंज से ये वाक्य शुरू हो गया, इसका मतलब दोस्तों कि सी के बाद सीधे सीधे बी आएगा, और ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत बी को टिक करिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड को सेलेक्ट करिए और आगे बढ़ जाइए। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड कहते हैं दोस्तों, जो कि आपके कुछ सारे सेक्शन ऐसे हैं इंग्लिश के जिसमें आपका एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 to 11 यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक, जैसा कि आपको देख के ही पैराग्राफ पता चल गया कि ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, और क्लोज टेस्ट का भी जो बेसिक रूल होता है दोस्तों, बेसिक ध्यान रखिएगा, बेसिक को अंडरलाइन करिएगा, बेसिक रूल ये होता है कि एक बार आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको पैराग्राफ के बारे में एक जनरल आइडिया हो जाए, एक बार आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए। तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, चूंकि बात बेसिक की हो रही है और पहली क्लास है, इसलिए हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन प्लेज डैश रोल इन ओवर ऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, इट कैन बी लर्न बाई आवर डैश एफर्ट टूडे, सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड राइट एंड स्पीक वेल, विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स डैश कम्युनिकेट हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज अ वेरी टू डैश दीज वेरियस सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। चलिए दोस्तों
अब हम लोग पढ़ लिए, सीधे सीधे आपको एक आइडिया लग गया कि कम्युनिकेशन के बारे में ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन के क्या क्या फायदे हैं। कम्युनिकेशन प्लेज अ लाइफलेस रोल, नो सेंस, देयर इज नो एनी सेंस, टोटल रोल नो सेंस, बेटर रोल नो सेंस। देखिए, टोटल का प्रयोग इसलिए नहीं होगा कि ह्यूमन के डेवलपमेंट में टोटल रोल, पूर्ण सारा रोल कम्युनिकेशन का नहीं है। बेटर का इसलिए नहीं प्रयोग होगा क्योंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री है और यहाँ पे कोई तुलना नहीं हो रही है। लाइफलेस तो ऐसे भी अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, इसलिए विटल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, और यहाँ पे होगा कम्युनिकेशन प्लेस अ विटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इट कैन बी लर्नड बाई, यह कैसे सीखा जा सकता है? कॉन्सस, कंट्राडिक्टरी, इंपॉर्टेंट, अनक्लियर। देखिए, कंट्राडिक्टरी मीन्स होता है विरोधाभास। विरोधाभास से आप सीख सकते हैं, किसी से विरोध करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संभव ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एकदम अपोजिट है, क्योंकि जिससे आपका कंट्राडिक्टरी, जो आपका कंट्राडिक्शन जिसके साथ है, उससे आपकी बात ही नहीं होगी, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। उसके बाद अनक्लियर, अस्पष्ट, अस्पष्ट भी नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी लर्न बाय योर इम्पॉर्टेंट एफर्ट, हमारे महत्वपूर्ण एफर्ट नहीं होगा दोस्तों। कॉन्शस एफर्ट मतलब हमारा सचेत, जागरूक, हम जो जागरूक रह के जो हम प्रयास करेंगे उससे जो है कि इसको सीखा जा सकता है, मतलब जागरूक रह के सीखा जा सकता है। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड ऑन आवर, किस पे डिपेंड करता है? टू रीड, टू राइट, टू स्पीक वेल, आवर एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक वेल। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर के साथ, बैरियर के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है दोस्तों, इसलिए यहां पे आपका ऑप्शन ए वन सही होगा। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रॉपर प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें जो बैरियर्स आते हैं, जो बाधाएं आते हैं, वो क्या करते हैं? इनको रोकते हैं, इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, चार ऑप्शन है, स्ट्रेंथन मजबूत करना, सक्सीड सफल होना, क्रिएट बनाना, ओवरकम, ओवरकम दीज बैरियर्स, इन बैरियर्स को हमें डांट जाना है, इनसे ऊपर उठ जाना है, इसको हमें, इनसे मुक्त होना है, इसको पार कर जाना है, इस बैरियर्स को, इन बैरियर्स को हम पार करके ट्रांसमिशन आप मैसेज, मैसेज का जो, संदेशों का जो आवागमन है उसको हम स्मूथ बना सकते हैं दोस्तों। ये आपका था क्लोज टेस्ट, और हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। बाकी जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस आगे करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको और ज़्यादा समझ में आता जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप गिवन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों, सीधे सीधे, असंग, शॉन्ग, संग, एड ब्यूरियल, जो शोक गीत जिसे कहते हैं हिंदी में, जो फ्यूनरल के समय जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं डर्स, और हिंदी में कहते हैं शोक गीत। सॉनेट नहीं होता है दोस्तों, सॉनेट एक 14 लाइन की कविताएं होती हैं। आमतौर पे जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा उसको पता होगा, शेक्सपियर ने ज़्यादातर सॉनेट लिखे हैं, जो 14 लाइन की कविताएं हैं उन्हें सॉनेट कहा जाता है, और शेक्सपियर के बहुत सारे लव सॉन्ग हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हिम जिसे कहा जाता है देवगीत, या हमारे हिंदी में इसको भजन कहते हैं, देवगीत या भजन, और ये बैलाड है, ये इसको गाथा कहते हैं दोस्तों। क्या होता है कि पहले प्राचीन समय में ऐसी ऐसी विधाएं चलती थी जो कि किसी की हिस्टोरिकल, किसी कहानी को या किसी राजा का गुणगान जो है वो गीतों के माध्यम से किया जाता था, उसे बैलाड कहते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 13, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में
देखिए ये भी आपका सेंटेंस अरेंजमेंट का है, ये है यहाँ पे बी होगा दोस्तों, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे डी होगा। सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग एक बार कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे। हाउ एवर से कोई सेंटेंस शुरू होगा दोस्तों? नहीं शुरू होगा। कोई भी सेंटेंस हाउ एवर से शुरू नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको हाउ एवर से शुरू नहीं होगा, इसलिए हम ए से शुरू होने वाले ऑप्शन को पहले टिक कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन है, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, मे भी इससे शुरू हो जा सकता है। दे ब्लेम से नहीं शुरू होगा, मतलब सी से भी नहीं शुरू होगा, क्योंकि दे किसके लिए आया है? दे प्रोनाउन का प्रयोग हुआ आता है, इसके पहले किसी न किसी नाउन का प्रयोग अवश्य हुआ होगा, कोई ना कोई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जरूर आया होगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई वाक्य सी से भी नहीं शुरू होगा, और यहाँ पे सो से वाक्य तो शुरू हो ही नहीं सकता है। एलिमिनेशन मेथड से सीधे सीधे हमारा करेक्ट आंसर मिल गया दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड से करेक्ट आंसर हमारा मिल गया, और इसको एक बार आइए हम लोग प्रूफ कर लेते हैं पढ़ के। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट इन द पॉलिसीज फ्रेम बाय गवर्नमेंट। आम धारणा क्या है? मानवीय धारणा, किसी की गलती निकालना। किसकी गलती? पॉलिसीज फ्रेम बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की गलती, जो पॉलिसी है नीतियां उसकी गलती निकालना। उसके बाद बी के बाद डी है सो, इसलिए पीपुल खुलेआम आलोचना करते हैं उनकी। और फिर क्या होता है? ए हाउएवर दे इग्नोर, वह जबकि वह इग्नोर करते हैं। किस चीज को इग्नोर करते हैं दोस्तों? वो इग्नोर करते हैं द प्रोसेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू लेबर, दे लेबर, वो इग्नोर करते हैं, किसी भी चीज की सफलता जो है उनके परिश्रम पे निर्भर करती है। ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई हो दोस्तों, आ गई होगी। यही आपका करेक्ट आंसर था, और जो हमने मेथड अपनाया एलिमिनेशन का, वो जरूर आप ट्राई करिए दोस्तों और आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है। सीधे सीधे आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिनोनिम्स आपको यहाँ दिख गया, इसका मतलब सिनोनिम्स खोजना है। किसका खोजना है? सेंटिलेटिंग, सेंटिलेटिंग मीन्स होता है ग्लिटरिंग, सीधे सीधे आपको मिल गया है, चमकना, चमकना। सेंटिलेटिंग मीन्स होता है ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग। कई बार SSC में पूछा गया है, पहली बार नहीं पूछा गया है दोस्तों, इसलिए आपका ग्लिटरिंग ही सही ऑप्शन होगा। और भी आप जानना चाहते हैं तो ये स्टिंगिंग मीन्स होता है चुभाना, चुभना या चुभाना। स्टिंगिंग मीन्स ये होता है दोस्तों। बोरिंग मीन्स तो आप जानते ही हैं, बोरिंग, उबाऊ। और फ्लैटरिंग मीन्स होता है, क्या होता है दोस्तों? चापलूसी। वेंटरिंग मीन्स होता है चापलूसी, चापलूसी को हम फ्लैटरिंग कहते हैं दोस्तों। तो इसलिए सिंटरेटिंग का करेक्ट आंसर यही होगा, ग्लिटरिंग, बाकी सब आंसर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द आइडेंटिफाइड द सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस सॉरी स्पॉटिंग एरर एक बार फिर आ गया दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली फाइव, यहीं से आपका आंसर मिलेगा। व्हेन आई वाज ओनली फाइव, जब मैं 5 साल का था। सोचिए 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग कैसे होगा? कैन का यूज आप पढ़े हैं कि नहीं दोस्तों? मॉडल है, मॉडल सॉरी दोस्तों, मॉडल वर्ब में पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट की, वर्तमान काल की योग्यता को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूतकाल की योग्यता को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे कैन को किससे रिप्लेस करेंगे दोस्तों? कुड से, मगर रिप्लेस यहाँ नहीं करना है, यहाँ तो बस आपको गलती निकाल के आगे निकल जाइए, गलती पकड़ना है दोस्तों। और गलती किसी का निकालना बहुत आसान होता है, मगर हम जब प्रेशर में नहीं रहेंगे तब दिमाग में पूरा प्रेशर बैठा लिए कि अरे 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 क्या गलती है, क्या गलती है, जल्दी जल्दी पढ़ते जाए, जल्दी जल्दी पढ़ते जाए। आप 10 बार 20 बार पढ़ लेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। एकदम विदाउट प्रेशर
ओपन एकदम हैंड होके खेलिए दोस्तों। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के समय सारे रूल रेगुलेशन अप्लाई करिए आप, धीरे 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 आपको वो सारे रूल्स रेगुलेशन आपके अभ्यास में आ जाएंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप सोचिए, जब आप क्या होता है दोस्तों, आजकल तो सबके पास लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल पे टाइप करते लोगों का, नहीं तो जब पहले लोग टाइप सीखने जाते थे दोस्तों, तो क्या होता था कि ऐसे पांच बटन पे पांच उंगली रखवा के एक दबाइए, पहले ही उठाइए, फिर दूसरी उठाइए, फिर तीसरी उठाइए, फिर चौथी उठाइए, और हाथ वहां से बिल्कुल नहीं हिलता था। जैसे ही आपका हिलता था हाथ वहां से हटता था उस की स्पेस से, तुरंत आपके इंस्ट्रक्टर पीछे, अरे हाथ सीधे रखिए, ऐसे करता था। और ये प्रोसेस 2 महीने फॉलो करना होता था दोस्तों। बहुत बोरिंग प्रोसेस होता था, समझ लिए आधे घंटे, बाप रे पूरा हाथ उंगली सब दर्द कर जाता था। मगर 2 महीने का प्रोसेस होता था, मगर 2 से 2.5 महीने तक अगर ये प्रोसेस जो फॉलो कर लिया दोस्तों, उसके बाद तो उसकी जो उंगलियां चलती थी, जो उंगलियां चलती थी कि टाइप का बहुत शानदार स्पीड हो जाता था। नहीं तो आजकल लोग एक एक उंगली से टाइप करते हैं, वो लाइफ टाइम वैसे ही करते रहते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, अभी आपको रूल रेगुलेशन से बंधे हुए हैं आप, मगर आप उसको इतना प्रैक्टिस कर जाइए कि एकदम फ्री हैंड हो जाइए, जैसे मन वैसे आंख बंद करके करके आंसर चले, ये क्वेश्चन सॉल्व करके। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्टली स्पेल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्टली स्पेल्ड। हमें आप यहां पे एक करेक्ट स्पेल्ड जो है उसी का, किसका स्पेलिंग सही है, एग्जॉस्ट, इसका भी स्पेलिंग सही है दोस्तों। EXHIBIT, इसका भी स्पेलिंग सही है दोस्तों। EXTER नहीं होता, TRACTE हटा दे तो ये भी सही हो जाएगा। EXHALE होता है, यहाँ पे आई का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह से इसमें दो सही है, ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। आप देख लीजिए, आप रट लीजिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको टाइपिंग मिस्टेक में भी शायद कम ही मिलती है, वैसे आमतौर पे मिलती नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडियम्स है, इसका अर्थ बताना है आपको। ए हार्ड नट टू क्रैक, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है दोस्तों, आप रटे हैं तो आ जाएगा, पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं, याद रखिएगा इस चीज को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहली बार नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि SSC में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे, और स्पेशली वर्ड पावर में। तो इसलिए आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाइए और आपको याद होता जाएगा। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स, एंटोनिम सेलेक्ट करता है करना है किसका। क्वाइट सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करिए, क्वाइसेंट, क्वाइसेंट, QUIE, QUIET, क्वाइट, क्वाइट से बना हुआ है दोस्तों, क्वाइट मीन्स होता है शांत, ठीक ना। और इसका जो है डिजेक्टेड मीन्स होता है उदास, पीसफुल भी मीन्स होता है शांत। तो जाहिर सी बात है एंटोनिम्स तो होगा नहीं, ये तो सिनोनिम्स हो गया। इंडिफरेंट मीन्स भी वही होता है उदासीन, और एक्टिव मीन्स होता है एक्टिव, प्रज्वलित, एक्टिव। तो क्वाइट का होता है सुसुप्त, का होता है जागृत, क्वाइसेंस, क्वाइसेंस मीन्स होता है क्वाइसेंट हो जाएगा सुसुप्त, और एक्टिव हो जाएगा जागृत, इसका एंटोनिम से हो जाएगा। सेलेक्ट द इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन दोस्तों, नरेशन भी आ गया, वॉयस के साथ साथ नरेशन भी आ गया दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नरेशन। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम, कैन यू टेल मी द टैरिफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सीधे सीधे आपको बेसिक रूल बता दे नरेशन का भी, क्या क्या चेंज होता है, सेट टू को चेंज करेंगे पहला, दूसरा चेंज होगा ये आपका इंट्रो, इंट्रो जो है ये कॉमा जो है इन्वर्टेड कॉमा, ये चेंज होगा, फर्स्ट चेंज ये है, सेकेंड चेंज इन्वर्टेड कॉमा है, और तीसरा चेंज जो होता है प्रोनाउन का दोस्तों, ये थर्ड चेंज है, चौथा चेंज जो होता है वो वर्ब का होता है दोस्तों, ये फोर्थ चेंज है, कम से कम इतने तो होते हैं। आइए देख लेते हैं सीधे सीधे, सेड टू को सिंपल सेंटेंस है, इसको सॉरी सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आस्क में बदल देंगे, सेड टू को आस्क में बदल देंगे। ही आस्क टू द रिसेप्शनिस्ट, होटल रिसेप्शनिस्ट सही है दोस्तों।
इफ या वेदर का प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये भी सही है, इफ का प्रयोग सही है। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है दोस्तों, और आप ये रूल पढ़े होंगे ना, 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। यहाँ पे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है रिसेप्शनिस्ट, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए किस वर्ब का प्रयोग होता है जो दोस्तों, अगर वो मेल है तो ही का, और फीमेल है तो सी का, यही है दोस्तों। तो यहाँ पे ही का प्रयोग भी सही है। कैन को किस में बदल देते हैं, कुड में। टेल को, टेल आपका कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, इसलिए ये भी सही है। और यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। सीधे सीधे आपका ये आपका हर कंडीशन पे सही मिल रहा है दोस्तों। और सेकेंड नंबर को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। 19 क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। इस तरह से आप 19 नंबर गेन कर चुके हैं दोस्तों, और 6 क्वेश्चन और है, और हम लोग उम्मीद करेंगे वो भी 6 नंबर हम लेके ही रहेंगे दोस्तों, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट स्पेल्ड करना है। सीधे सीधे देखिए क्या है दोस्तों, बकेट है, बकेट का मतलब होता है, ये सही है, और हमें लगता है ये आपका डबल टी नहीं होता है इसमें, इसलिए आपका ये गलत है, डबल टी का प्रयोग नहीं होता है। CARCASM सरकाज में, ये आपका सही है, करेक्टली स्पेल्ट है। ह्यूमिलिएशन में सिंगल एल होता है, तो इसलिए ये भी नहीं सही है। और रिटेलिएट, आई का प्रयोग नहीं होता, यहाँ भी वही गलती है। सीधे सीधे आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन जो है इम्प्रूवमेंट का है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीधे सीधे डायरेक्शन तो ऊपर चला गया, हम लोग पढ़े नहीं, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आ रहा है, इसलिए इम्प्रूवमेंट का है। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वर, एज वेल द प्लेयर वर, यहाँ पे इम्प्रूव करना है दोस्तों। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वाज, पहला ही आपका ऑप्शन सही मिलेगा दोस्तों। क्यों मिलेगा, एक तो एज वेल एज एक सही जो है कि कंजंक्शन है, एज वेल के साथ हमेशा एज का ही प्रयोग होता है, एज वेल एज, कहीं भी केवल एज वेल का प्रयोग नहीं होता है। तो एक गलती तो हमें यहाँ पकड़ में आ गई, और दूसरी गलती वर्ब की है दोस्तों, दूसरी गलती वर्ब की है, वर्ब की जगह वाज का प्रयोग होगा। क्यों होगा दोस्तों, वो आपको बताते हैं। जब दो सब्जेक्ट, जब आप कंजंक्शन पढ़ेंगे या सिंटेक्स पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें आपको बताया जाएगा जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज टुगेदर विथ अलोंग विथ आदि शब्दों से, आदि कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। अर्थात पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, यहाँ पे एस होता तो ये वर्ब सही होती, मगर यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है, इसलिए आपका ये वाला वर्ब गलत है, वहां पे वाच का प्रयोग होगा। फर्स्ट क्वेश्चन टिक करिए, आगे बढ़ जाइए दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस तरह से देखिए एक नंबर और हम लोग गेन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडियम्स का है दोस्तों, टू टेक फ्रेंच लीव, टू टेक फ्रेंच लीव, सीधे सीधे लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप छुट्टी पे चले जाएं, उसे फ्रेंच लीव कहा जाता है दोस्तों। जब आप SSC पास करके किसी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो वहां आपको बताया जाएगा कि आपको छुट्टी लेने से पहले इंटीमेट किया जाता है। दो टाइप की छुट्टी होती है दोस्तों, EL और CL, मान लीजिए मेडिकल भी होता है, मगर नॉर्मली हम इसको बता रहे हैं EL और CL। तो आपको इस लेने से पहले आपको इंटीमेट किया जा करना पड़ता है। CL जो कैजुअल लीव होती है, आमतौर पर आप इमरजेंसी में ले सकते हैं किसी कैजुअलिटी में, मगर इसके लिए भी 2 या 3 दिन में के अंदर, शायद 2 दिन के अंदर फिर आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि हाँ हम किसी कैजुअलिटी के वजह से हम यहाँ आ गए हैं या फंस गए हैं कहीं, हम जो भी है आप ऑफिशियल
प्रोसेस पूरा करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रोप्रिएट वर्ड फिल, फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, हमें लगता है लास्ट में भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज, ग्लास टेबल है दोस्तों, केयर से हैंडल करिए। क्यों? क्योंकि ये टूट जाएगा, सीधे सीधे फ्रेगाइल मारिए, इसका मतलब होता है भंगुर या क्षणिक, भंगुर या क्षणिक, जो ऐसा चीज जो चकना चूर होने वाला होता है उसे फ्रेगाइल कहते हैं। क्योंकि फ्रुगल मीन्स तो होता है खर्चीला, इसका तो वो इसका तो कोई मतलब होगा ही नहीं। और यहाँ पे सॉरी, फ्रुगल मीन्स तो कंजूस होता है, खर्चीला नहीं, इसका हमने अपोजिट बता दिया। अब ये कंजूस होता है, डक्टाइल मीन्स होता है तन्य मुलायम, वोलेटाइल मीन्स होता है वाष्पीकृत, वाष्पीकरण, इस तरह से इसका प्रयोग नहीं होगा, सीधे सीधे आपका फ्रेगाइल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन, दैट कैन नॉट बी हर्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिन्हें नहीं सुना सकता जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? इनऑडिएबल, इनऑडिएबल, और ऑडिएबल होता है जिसे सुना जा सकता है। दैट कैन बी हर्ड, अगर कैन नॉट नहीं रहता, दैट कैन बी हर्ड अगर होता तो ऑडिबल होता, मगर कैन नॉट है तो इनऑडिएबल है दोस्तों। यहाँ पे अगर दोस्तों अगर यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग नहीं हुआ होता, केवल दैट कैन बी हर्ड होता, That can be heard होता तो यहाँ पे audible होता, मगर जहाँ पे then can not be heard तो inaudible होता है दोस्तों। बाकी infallible means होता है जो कभी गलती ना करे, और irrevocable means होता है जिन्हें सुधारा ना जा सके। Next and last question है दोस्तों, antonyms, आइए 24 नंबर हमने आपको दिलवाया है, आपने अपने कठिन परिश्रम से 24 नंबर लिया, एक नंबर और लीजिए, इसको क्यों छोड़ेंगे? Exodus, एक्सडस मीन्स होता है क्या होता है? प्रस्थान, प्रस्थान, और प्रस्थान ये कौन सा प्रस्थान होता है? ट्रेन और बस के लिए नहीं प्रस्थान होता है, ट्रेन बस का प्रस्थान के लिए डिपार्चर शब्द का प्रयोग होता है, मगर ये प्रस्थान क्या होता है? प्रस्थान जब होता है मानव का, मैन एंड एनिमल, मैन एंड एनिमल, जब मैन और एनिमल का प्रस्थान होता है तो इसके लिए एक्सडस का प्रयोग होता है, और इसका अपोजिट होता है अराइवल। जैसे डिपार्चर का अपोजिट होता है ना अराइवल, वैसे ही इसका एक्सडस का भी अपोजिट होता है अराइवल। इस तरह से 24-25 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया दोस्तों, और एक सेट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालेंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए इस इंग्लिश के सफर में। ओके दोस्तों, टाटा, बाय बाय, जय।